तो अगर देखो प्यारे बच्चों, अगर यहाँ पे तुम देखोगे, यहाँ पे दो दो कार है। अगर तुम देखोगे फर्स्ट कार ए है, तो ये वाली जो कार है वो आगे जा रही है एक डायरेक्शन में, और ये कार ए है और इसकी स्पीड B1 है, और दूसरी अपनी जो कार है वो यहाँ पर है और ये भी कुछ आगे जा रही है, उसकी स्पीड B2 है बी कार। तो अगर ये जो कार ए है और बी है, यहाँ से ये दोनों अलग अलग ऐसे जा रहे हैं यहाँ पे, तो ये कहते हैं कि किसी भी इंस्टेंट इनके बीच का सेपरेशन, जब वो ए का ड्राइवर देखता है तो इनके बीच का सेपरेशन डी है, डी, और डी डिस्टेंस पे जब ए है तो वहाँ पर ब्रेक लगाता है और रिटार्डेशन होता है, यहाँ पर ब्रेक लगाता है और ये रिटार्डेशन होता है। तो ये कहते हैं कि व्हेन ए ब्रेक अप्लाई यूनिफॉर्म देयर विल नो कोलिजन, मतलब इनके बीच कोलिजन नहीं हो, उसके लिए डी का क्या कंडीशन है। तो चलो जो नॉर्मल आदमी होता है, चलो बोलेगा एक्सीडेंट नहीं होगा, तो हम फिजिक्स के लोग हैं, चलो मान लो कोलिजन हो ही जाता है, ठीक है, ए ने बी को धक्का मारी दिया, ए ने बी को ठोंक दिया, ठीक है ना, कोलिजन करा दिए हम लोग, ठीक है ना। तो अगर ए एंड बी कोलिजन हम करा ही देते हैं, तो देखो ए रिलेटिव, सब कुछ रिलेटिव लेंगे, ठीक है, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट डी होगा, रिलेटिव एक्सलेशन ए होगा क्योंकि इसका रिटार्डेशन ए है, समझ रहे हो, और रिलेटिव रिलेटिव फाइनल वेलोसिटी जीरो होगा, क्योंकि जिस वक्त मैं ले रहा हूँ, मान रहा हूँ दोनों चिपक गए कोलिजन, उस वक्त दोनों रुक गए हैं, लेकिन इनिशियली दोनों चल रहे थे बी वन और बी टू से। तो मैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन रिलेटिवली लगाऊंगा, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 2 AS, तो इसको मैं रिलेटिव वेलोसिटी के लिए लगाऊंगा, रिलेटिव रिलेटिव मोशन के लिए अप्लाई करूंगा। तो अगर मैं रिलेटिव मोशन करूँ, तो B1 का स्क्वायर माइनस E1 का स्क्वायर इक्वल टू 2 टाइम एक्सलेशन ऑफ फर्स्ट और डिस्प्लेसमेंट ऑफ फर्स्ट। तो फाइनल वेलोसिटी मान लिया हूँ मैं, जब ये दोनों चिपक गए तो 0 हो गया इनिशियल वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट, यहाँ तो मान लो वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ 2 का होल स्क्वायर और -2 एक्सलेशन ऑफ फर्स्ट माइनस एक्सलेशन ऑफ सेकेंड और डिस्प्लेसमेंट ऑफ फर्स्ट माइनस डिस्प्लेसमेंट ऑफ 2। तो ये आ जाएगा -2 एक्सलेशन ए, और यहाँ से मतलब माइनस ये समझ रहे ना, मॉड रिटार्डेशन है और डिस्प्लेसमेंट डी होगा ए फर्स्ट का। तो ये यहाँ से तुम देखोगे, बाकी A2 यहाँ से A2 और S2 क्या हो जाएगा, A2 हो जाएगा 0 और S2 किसी मोमेंट पे उसको स्टॉप कर दिया तो ये भी 0 हो जाएगा। तो अगर तुम देखोगे यहाँ से, तो ये माइनस माइनस साइन कट गया, तो D की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी B1 माइनस B2 का होल स्क्वायर, B1 माइनस B2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2A, मतलब सेपरेशन जो है D इतना हुआ तो कोलिजन हो जाएगा, मतलब इससे अधिक ही होना चाहिए। तो D मस्ट बी ग्रेटर देन B1 माइनस B2 को होल स्क्वायर अपॉन 2A फॉर नो कोलिजन, फॉर नो कोलिजन, मतलब नो कोलिजन के लिए डिस्टेंस इतना होना चाहिए, और फॉर कोलिजन के लिए अगर कोलिजन करवाना है तो डिस्टेंस डी शुड बी लेस देन या इक्वल टू B1 माइनस B2 का होल स्क्वायर और 2A, मतलब इसके बराबर या इससे कम रहा तो कोलिजन हो ही जाएगा, इससे अधिक रहा तो कोलिजन नहीं होगा, मतलब डी मस्ट बी ग्रेटर देन B1 माइनस B2 का होल स्क्वायर 2A। आई होप कि आप बेहतर तरीके से समझ गए होंगे इस बात को, दैट इज सी ऑप्शन अपना करेक्ट है। थैंक यू, बाय बाय।